अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुमामीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी पुलाव। प्याज काट कर घी डालकर मैंने ऊपर रखे थे, जब अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए तो फिर उसमें मैंने डाला सबल मिर्ची, लहसुन और अदरक कूट कर उसका पेस्ट बनाकर, और अब गोभी तैयार हो गए सारे। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। ये मैं लाल मिर्चें थोड़ी सी आज डालूँगी, डेढ़ चम्मच, क्योंकि आज हमने 4 अदद सबल मिर्चें काट कर डाली हैं और कुछ कूट कर भी डाली हैं, तो ये इतनी काफ़ी हैं। अम्मी जी आज नहीं है क्योंकि मेरी फूफो के घर गई हुई हैं, और आज देखें बारिश वाला मौसम बना हुआ है, इस वजह से मैंने वो बाहर वाले चूल्हे में आग नहीं जलाई, इधर ही जला ली। मैंने कहा बारिश भी आ गई तो थोड़ी सी बचत हो जाएगी। वैसे तो इस छप्पर से भी पानी नीचे आता है, लेकिन कुछ देर तो बचत रहेगी ना, तब तक तो हमारे चावल बन जाएंगे। अल्लाह ना करे ज़्यादा बारिश ना ही आए। तो अब मैं इसमें डालती हूँ हल्दी, लाल मिर्चियाँ तो मैंने डाल दी हैं, और फातिमा है, पारो रानी भी है, मेरी सिस्टर भी है, वो सारे उधर बैठे हुए 4 पाइयाँ डालकर। और मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बना लूँ, मौसम ख़राब है, बारिश आ गई तो फिर और ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। और ये मुझसे खोली, अभी माशाल्लाह से भुनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी है गाजरें, आलू और गोभी, जो मैंने काट कर धोकर रख ली थी। अब इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने इसमें सारी सब्जी डाल दी है। अब इसको हिलाकर 5 मिनट के लिए हम प्लेट देके रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। और चावल मैंने पहले भिगोकर रख दिए, चावल मैं भिगोकर रख देती हूँ, फिर जितने चावल होते हैं उतना ही पानी डाल देती हूँ, तो बिल्कुल ठीक बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से अभी हमारी सब्जी अच्छे तरीके से भून गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। ये 2 गड़वी हमारे चावल हैं, 2 किलो, और 1 किलो तो हमारे आलू हैं, और बाकी गोभी गाजरें 1/2 किलो वो है, मतलब 1.5 किलो हमारी सब्जी है और 2 किलो चावल। तो पानी जो है ना, मैं ये डाल देती हूँ 3 गड़वियाँ, जिसमें ये अच्छी तरीके से बन जाएंगे। चावल मैंने पहले भिगो कर रखे हुए हैं, ये पानी मैंने साथ ही रख लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 गड़वी हो गई, ये दूसरी, एक और डाल देते हैं, फिर नीचे जलाएंगे आग ताकि जल्दी जल्दी हमारा पानी उबले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी माशाल्लाह से पानी उबल रहा है और मैं चावलों वाला पानी गिरा लेती हूँ। और अभी हवा भी बहुत तेज चली हुई है, सारा धुआं मेरी तरफ आ रहा है, मौसम ख़राब है ना आज, और थोड़ी सी देर भी हो गई है। अम्मी जी गई थी दोपहर को, तब से मैं लगी हुई थी, सारी सब्जी बनाई, फिर चावल साफ किए, चावल भिगो कर रखे, तो काफ़ी ज़्यादा देर लग गई। अब जल्दी से इसमें चावल डालते हैं, फिर दम पर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे चावल डाल के फिर इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी सारे चावल इसमें डाल दिए, मिक्स करके प्लेट देके 5 मिनट के लिए रख देते हैं और नीचे जलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आग, ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो और फिर हम इसको दम पर लगाएं। माशाल्लाह से अभी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसको लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए दम पर, उसके बाद फिर चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कपड़ा मैं थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, रुमाल, ताकि जल्दी हो जाए, और ऊपर हम कोई वजनी चीज़ भी दे देंगे। और मुझे लगता है कि अभी अम्मी जी भी आ गए, ताया अबू नज़ीर भाई और अम्मी जी फूफो के घर गए थे ना, अभी अंधेरा हो गया तो वो भी आ गए, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज, अभी तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, आग सारी मेरी तरफ ही आ रही है,
पहले तो मैं आसानी से बना रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, अब दम पर लगा दिया है। आग आहिस्ता कर देते हैं और सारी चीज़ें मैं सिमेट लेती हूँ और फिर जरा चावल उतार लेंगे और सब मिलकर खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रा, मेरे भैन भरावान, साढ़े वेखण आया। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते हुण मैं घर आ गई हाँ, रात दा टाइम है। कुतीजा अज मौसम खराब आई, अज बड़े औखे चावल बनाए। अल्लाह पाक सुख देवे ते अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह चावल सोने पक गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगे मैं दम खोलिया है ते हुण मैं चावल कढ़ाई हां। यो जे बने ने लगदे ते चंगे पए। अल्लाह पाक सुख देवे ते अल्लाह खावन वालियां दी वड्डी जिंदगी करे ते अल्लाह तंदुरुस्तियां देवे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी सोहनी आंदी पई। अल्लाह खावन वालियां नूं सुख देवे ते अल्लाह मेरी धी नूं तंदुरुस्ती देवे। पकावन वाली नूं शोधी। अज बड़ी मौसम ही खराब आई, हनेर भी आ ते बदल भी आ ते बड़े औखे पकाए। अगे असी मावां दियां रल च काम करनियां ते अज शोधी इकल्ले ही पकाए। चलो कुछ नहीं हुंदा, अल्लाह खैर करे। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चावल कैसे लग रहे हैं। और अभी हम उधर चार पाइयों पर चलते हैं, सब मिलकर खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। इंशाल्लाह आप सब से हम कल मिलेंगे और सबके लिए फिर दुआ करेंगे। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी हमने अपनी रूटीन के सारे कामकाज कर लिए हैं। रात को जो हमने बनाए थे चावल, वो रात को किसी ने भी इतना ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि मुनीर भाई ने खाने नहीं थे, डॉक्टर ने मना किया था। मेरी भी तबीयत थोड़ा सी ख़राब थी, इस वजह से मैंने भी नहीं खाए। और मेरी सिस्टर की भी तबीयत ख़राब थी, उसने भी नहीं खाए, तो फिर वो हमारे बच गए। हमने बाहर रख दिए तार के साथ कपड़ा लटका कर उसके अंदर, ताकि वो ख़राब ना। और फिर सुबह उसका ही हमने नाश्ता कर लिया, साथ में चाय बना ली थी और लस्सी भी। तो अब जो है ना सारे बर्तन समेट कर हमने रखे हैं खाड़े में, अम्मी जी धो रही हैं और बाकी मुनीर भाई, अबू जी और ताया अबू चारा लेकर भी आ गए। और अब जो है ना चारा बनाएंगे। इधर की मैंने सारी सफाई भी कर दी, कमरों की भी सारी सफाई कर दी, इधर की भी कर दी। और आज ना धूप बड़ी सख्त निकली हुई है। पहले तो मौसम कुछ बेहतर हो गया था बारिश आने की वजह से, लेकिन अब जो है ना दोबारा से गर्मी बनी हुई है। बस अल्लाह पाक खैर ही करे। और आज हमने गेस्ट रूम की भी सारी सफाई की है। इधर हम इतना ज़्यादा बैठते नहीं हैं, प्रायः वो बैठ जाते हैं या मैं भी कभी कभी इधर सो जाती हूँ ये कूलर वाला पंखा चलाकर, तो फिर इस वजह से इतना ज़्यादा इधर गंद भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम एक दिन ना सही तो दूसरे दिन ज़रूर सफाई कर लेते हैं। और बाहर वाले सारे रैंप की भी की है, आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने आगे कपड़ा लगाया हुआ है, बाहर वालों की नज़र अंदर नहीं आती, हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन जब शीशा लग जाएगा ना तो बिल्कुल ही ये बंद हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत इधर से आवाज़ आती है। दो हमने इधर मोड़े रखे हुए हैं, कूलर पंखा जाए नमाज़। मैं सुबह सुबह इधर नमाज़ पढ़ लेती हूँ या ताया वो भी पढ़ लेते हैं। और बाकी एक चारपाई रखी हुई है, अभी हम पंखा चला देते हैं। ताया वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये वायरिंग वाला भी सारा काम अभी रहता है ना, तो इस वजह से ये इधर हमने बस लीड रखी हुई है आरजी तौर पर। जब वायरिंग वाला सारा काम हो जाएगा ना, तो फिर ये लीड उधर उतार कर हम रख लेंगे। ये इधर से सारी वायरिंग होनी है और बल्ब भी ऊंचा करके लगाएंगे। अभी तो हमने बस ये डंडे के साथ लगाया हुआ आरजी तौर पर, यह बिल्कुल सब ठीक करवाना है। और फातिमा जो है ना चली गई है स्कूल, उसे 1 बजे छुट्टी होती है या फिर 12:30 बजे। अब शुक्र है कि फातिमा रोज़ जाती है, अपने कज़न के साथ जाती है। एक दिन वो नहीं आया था उस वजह से वो रो रही थी, कहती मैंने नहीं जाना, लेकिन जब वो आ जाता है तो फिर खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब में से बहुत सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे के वीडियो जो है ना हाफ तो कमेंट में गुजर जाती है, तो हमने ये फैसला किया
कि हम हफ्ते में दो दिन आप सबका नाम लिया करेंगे दो व्लॉग में, एक जुमे को जो व्लॉग होगा उसमें और दूसरा एक जो होगा सोमवार वाला व्लॉग उसमें आप सबका नाम लिया करेंगे। बाकी जितने भी हमारे व्लॉग होंगे हफ्ते में आठ दिन होते हैं तो दो दिन में दुआ वाले होंगे कमेंट, और बाकी जो है ना छः दिन वो हम अपनी रूटीन दिखाया करेंगे। तो आप सबने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये हमने ठीक किया ना, क्योंकि आप सब कहते हैं कि व्लॉग छोटा सा होता है उसमें भी आधा कमेंट में गुजर जाता है। तो आज तो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आज के बाद जो है ना हम तकरीबन 15-20 मिनट का व्लॉग बनाया करेंगे रूटीन का, और दो दिन बस आप सबके कमेंट शामिल किया करेंगे। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।